हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको अराउंड 30-40% आपका जो स्पीकिंग है वो इजीली 1 वीक में इंक्रीज हो जाएगा, मींस इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? बेसिकली जो बच्चे हैं वो स्टक हो जाते हैं ड्यूरिंग द क्यू कार्ड एज वेल एज द फॉलोअप क्वेश्चन जो IELTS में पूछे जाते हैं। आज मैंने सोचा है उसका एक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया है और मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है, सो उसे कुछ बेनिफिट्स तो होता ही है। अगर आप जो माहौल है आपका, मींस एनवायरनमेंट है, वो आपका इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होगा, सो इट वुड बी अ डिफिकल्ट फॉर यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी इजीली। सो उसी के लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि आज तक बहुत सारे बच्चे हैं जो जियो यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, सो इट वुड बी बेनिफिटेड टू यू। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द स्पीकिंग एंड उसका सॉल्यूशन क्या है और आप कैसे उसको इम्प्रूव करोगे। तो बिफोर दी स्टार्ट दिस सेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब, और प्लीज क्लिक ऑन दी लाइक बटन। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो ये है हमारा स्पीकिंग का सेशन है। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, जो स्टूडेंट इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, ज़्यादातर हिंदी गुजराती पंजाबी ये सारे जो बैकग्राउंड होता है, सो दे गॉट द वेरी डिफिकल्टीज टू गिव आंसर इन प्रॉपर मैनर, राइट। सो उससे क्या होता है कि सपोज कई बार एग्जामिनर ने पास्ट टेंस में पूछा होता है लेकिन बच्चे जल्दी में बोलने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में बोल देते हैं, सो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और इट डायरेक्टली अफेक्टेड टू योर बैंड स्कोर, राइट। सो जो भी ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ बच्चों में होती है जिसकी रेंज 5-6 या 6.5 बैंड की रहती है। तो जो बच्चों को 5 बैंड आते हैं इजीली, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। सो उसमें बेसिकली क्या रहता है, बच्चे वही गलती करते हैं जब भी पास्ट टेंस का आता है कि वॉज वेयर कहाँ यूज़ करें, हैड कहाँ यूज़ करें, हैव बीन कहाँ यूज़ करें, हैड बीन कहाँ यूज़ करें। सो उसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और आई थिंक इट वुड बी 99% हेल्पफुल टू यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पर्सनली बताया था, सो दे गॉट द बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द टिप्स। सो उसमें क्या होता है कि आपको जब भी आप स्टार्ट करते हो स्पीकिंग का, तो आप सोचने लगते हो कि कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं आंसर कैसे दूं, बट आई हैव वन सॉल्यूशन, सो आई थिंक वो आपको इम्प्रूव करेगा और आपकी जो गलतियां होती है जो ड्यूरिंग स्पीकिंग वो मिनिमाइज करेगा। तो उसमें क्या है, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आपको पहले बात करनी होगी इंग्लिश में, या अगर कोई आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है इंग्लिश में बात करने के लिए, सो उसका एक तरीका है कि आप कुछ भी सेंटेंस है आपके माइंड में ऐसे दोहराओ कि आप उसको पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट करो, फ्यूचर टेंस में एज वेल एज दी प्रेजेंट टेंस में। सो उससे क्या होगा कि आपका जो ग्रामर है आप इजीली आप समझ लो उसको कि हैड बीन कहाँ यूज होता है, हैव बीन कहाँ यूज होता है, वॉज वेयर कब यूज होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप जब स्टार्ट करोगे सोचना तो वो इजीली आपके माइंड में आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है। सेम थिंग आप जब राइटिंग में भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपको पूछे जाते हैं कुछ और आप लिखते हो कुछ और, देन फाइनली आप बोलते हो कि मेरा बैंड स्कोर 5 आया राइटिंग में एज वेल एज स्पीकिंग में। जो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैंने बताई आपको, वो आपके बैंड स्कोर पर बहुत इफेक्ट करता है। सो उसके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास। आप सब लोग यूट्यूब देख रहे हो तो उसमें टेड टॉक्स करके चैनल चल रहा है, उस पर क्या होता है कि जो IPS है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, दे आर गिव सम बायोग्राफी ऑफ हिम और हर, सो वो अपने बारे में कुछ बताते हैं। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर वो अपने चाइल्डहुड से आपको कोई पूरी स्टोरी बताते हैं, सो वो आपको पता चलेगा कि वो पास्ट टेंस में वो कैसे आंसर देते और स्पीक करते हैं। तो इजीली आप उसको 10-12 वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इजीली आपके बारे में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको
तुरंत ही स्ट्राइक हो जाएगा, नहीं मुझे पास्ट टेंस में वॉज लगाना है, वेल लगाना है, हैड लगाना है या हैड बिन लगाना है। तो ये जो टेड टॉक्स है वो चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें जो भी स्पीकर है, जो भी स्पीच दे रहे हैं, उनको एक बार ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो अराउंड 20 to 25 मिनट्स का एक वीडियो रहता है। सो यू जस्ट स्पेंड अराउंड 1 आवर एंड जस्ट लिसन 2 or 3 वीडियोस पर डे। सो वो इजीली आपके 1 वीक में तो इजीली आपको थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया कि 30 to 40% इजीली आपका इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये जो मेरा सॉल्यूशन है कि टेड टॉक सुनिए और आपके माइंड में ऐसे सोचने का स्टार्ट कर दिए आप, तो उससे आपका स्पीकिंग इजीली इंप्रूव हो जाएगा। और ये मेरी एडवाइस है कि एवरी डे जो भी आप सुन रहे हो दूसरे वीडियो, उससे बेटर है कि आप टेड टॉक सुनिए, उस पर 1000 of video होंगे आई थिंक। सो वो जो IPS है, कोई बच्चे ने कोई इनोवेशन किया है उसके रिगार्डिंग वो सारे वीडियो चलते रहते हैं। सो उससे क्या होगा कि सपोज कोई ऐसा बंदा है कि सपोज स्पीकिंग में एक क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन, सो आप उसकी बायोग्राफी वहां पे सुनोगे 30 मिनट्स, सो यू कैन इजीली स्पीक 2 to 3 मिनट्स इन द फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, राइट। सो उससे भी आपका बेनिफिट होगा। इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि स्पीकिंग में क्या प्रॉब्लम होती है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आपको कोई क्वेरी या सजेशन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, एज वेल एज आप मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हो जो मैंने यहां पे रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।